So today we are going to deal with the topic of fever or pyrexia. Okay, pyrexia क्या होता है? Pyrexia का अगर word meaning की तरफ जाएं तो pyrexia मतलब होता है fire. Okay, pyrexia मतलब होता है fire. Fever की अभी classical definition अगर देखें तो elevation of body temperature अप टू 1 to 4 डिग्री सेल्सियस. अगर किसी का बॉडी टेम्परेचर 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है तो उस कंडीशन में उसको फीवर बोलेंगे. ओके, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर माना जाता है 36.1 डिग्री सेल्सियस टू 37.2 डिग्री सेल्सियस. इसके बीच में वेरिएबल करता है. हर बुक्स में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अलग अलग दिया हुआ है. कोई 36.1 मानते हैं, कोई 36.2, बिकॉज इट रेंजेस, इट डिफर्स अकॉर्डिंग टू द रेस. मतलब कि कोई मंगोलियन है, कोई इंडियन है, श्रीलंकन है, ऑस्ट्रेलियन है, उनके हिसाब से टेम्परेचर वेरी करता है. कोई कोल्ड क्लाइमेट में हमेशा रह रहा है, कोई हॉट क्लाइमेट में हमेशा रह रहा है. इस वजह से हर जगह पर ये टेम्परेचर जो होता है वेरी करता है. तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है वो कोई फिक्स नहीं कह सकते, वो उसकी रेंज है एक. ओके, अभी फीवर का एक मोस्ट कॉमन डिजीज है. सबसे कॉमनली जो होती है वो फीवर डिजीज होती है. ठीक है, तो इस वजह से फीवर को कुछ लोग डिजीज कहते हैं, कुछ लोग फीवर को डिजीज कहते हैं, और कुछ इसको मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस कहते हैं. कुछ लोग इसको कहते हैं कि एक डिजीज है, कुछ लोग इसको मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस कहते हैं. ओके, अभी फीवर को डिजीज कब बोला जाता है? अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाए किसी भी रीजन से तो वो डिजीज है. ठीक है, कुछ होम्योस्टेसिस कहते हैं कि कोई इन्फ्लामेशन हो गया, उस इन्फ्लामेशन की वजह से उस इन्फ्लामेटरी एजेंट को बाहर निकालने के लिए बॉडी अपना टेम्परेचर रेस करती है, उस कंडीशन में उसको होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म कहते हैं. सो अभी हमें मेन कंसिडर करना है फीवर एज अ डिजीज पर. ओके, अभी अगर हम डिजीज कंसिडर कर रहे हैं तो इसका कोई ना कोई पॉजिटिव एजेंट जरूर होगा. सो फीवर का कॉजिटिव एजेंट होता है, फीवर का कॉजिटिव एजेंट होता है पायरोजेंस. पायरेक्सिया से ही बढ़ा है पायरोजेंस. ओके, पायरोजेंस कॉजेस पायरेक्सिया. ठीक, नाउ हमें भी ये जानना है कि पायरोजेंस आखिर क्या होते हैं. चलो हम पायरोजेंस के बारे में अब डीपली पढ़ेंगे थोड़ा. पायरोजेंस, ओके, पायरोजेंस ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि एक बैक्टीरिया से रिलीज होते हैं. ठीक है, पायरोजेंस ऐसे एजेंट्स होते हैं जो हमेशा बैक्टीरिया से रिलीज होते हैं, वो भी कौन से? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ओके, पायरोजेंस आर एंडोटॉक्सिन्स that are released by gram negative bacterias. ठीक, pyrogens are endotoxins that are released by gram negative bacterias. ठीक, यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि टॉक्सिन्स दो तरह के होते हैं, एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन. एक्सोटॉक्सिन रिलीज होता है बाई बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज. ठीक है, एक्सोटॉक्सिन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया से रिलीज होता है, जबकि इंडोटॉक्सिन केवल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से रिलीज होता है. ओके, इसकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है वो डिस्कस करते हैं अभी. कि अगर किसी को मैंने बताया पायरोजेंस हैं, पायरोजेंस हमेशा इंडोटॉक्सिन्स होते हैं, और इंडोटॉक्सिन्स हमेशा रिलीज होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से. ठीक है, और एक्सोटॉक्सिन्स रिलीज होते हैं ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से. तो इसकी ड्रग में फार्माकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है अपनी, कि हमें अगर पायरोजन के लिए, मतलब अगर पायरेक्सिया के लिए हमें कोई मेडिसिन बनानी है तो हम बेसिकली ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल होगी उसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे और उस अकॉर्डिंग ही हम मेडिसिन बनाएंगे. दैट इज द फार्माकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस. तो हम यहाँ पर थे कि ये इंडोटॉक्सिन होता है. ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट होता है कि एक्सोटॉक्सिन्स किसी भी बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया है वो एक्सोटॉक्सिन्स को अंदर सिक्रीट करता है. ओके, जबकि ये जो इंडोटॉक्सिन्स होते हैं, इंडोटॉक्सिन्स किसी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के अंदर सिक्रीट नहीं होते हैं.
सिक्रेट नहीं होते हैं, इनकी सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं, सेल वॉल सिंथेसिस के टाइम पर ही बन जाते हैं अंदर, तो दैट आर एंडोटॉक्सिन्स। ओके, अब क्योंकि ये सेल वॉल के अंदर बन रहे हैं, सेल वॉल में ही बन जाते हैं, तो जो सेल वॉल की कैरेक्टरिस्टिक होगी वही इनकी भी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो दीज एंडोटॉक्सिन्स आर सेक्रेटेड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज आर लिपो पॉलीसेक्राइड्स। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, लिपिड प्रोटीन, ओ सॉरी प्रोटीन नहीं पॉलीसेक्राइड, लिपिड्स पॉलीसेक्राइड एंड ओ एंटीजन, ओ एंटीजन, इन तीनों से मिलकर के लिपोपॉलीसेक्राइड्स बनते हैं, लिपिड पॉलीसेक्राइड एंड ओ एंटीजन, इन तीनों को मिलाकर के लिपोपॉलीसेक्राइड्स बनते हैं। लिपोपॉलीसेक्राइड्स एंडोटॉक्सिन्स होते हैं विच आर सिक्रेटेड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज एंड दीज आर पायरोजेंस दैट कॉजेस पायरेक्सिया। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू द पैथोलॉजी ऑफ फीवर इन वेरी ब्रीफ, नॉट इन सो डीप, ब्रीफली समझाऊंगा कि पैथोलॉजी ऑफ फीवर, आखिर फीवर कैसे कॉज होता है। ओके, सबसे पहले क्या होगा फीवर कॉज के लिए, सबसे पहले पायरोजेन। ओके, इसके लिए एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज विच लीड्स टू कॉज फीवर लाइक ई कोलाई, हाँ स्टर्सिया कोलाई, मोस्ट कॉमनली फाउंड बैक्टीरिया इज ई कोलाई। अदर बैक्टीरियाज आर लाइक सीडोमोनास एरोजिनोसा। ओके, तो ये सब कुछ बैक्टीरियाज होते हैं पायरोजेंस, उन बैक्टीरियाज के थ्रू जैसे ही पायरोजेंस बॉडी में आते हैं, कहाँ आएंगे बॉडी में, जैसे ही ये बॉडी में आते हैं, अब क्योंकि ये एक एक्सटर्नल एजेंट है तो बॉडी में आते ही बॉडी एक रिस्पॉन्स देगा, इम्यून रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, बॉडी देगा एक इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स कैसा, कि बॉडी के सेल्स बोलेंगे कि कोई फॉरेन एजेंट आ गया है, इम्यून सेल्स तुम लोग जाओ और उससे फाइट करो जाके, कुछ ऐसा। ठीक, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, मैक्रोफेजेस आएंगे, मैक्रोफेजेस वही फाइटिंग सेल्स अपने, है ना, मैक्रोफेजेस, कुछ अदर इम्यून सेल्स, अदर इम्यून सेल्स, ठीक, ये आएंगे उस ए पायरोजेन के पास जाएंगे। ठीक, पायरोजेन है, ठीक, यहाँ से मैक्रोफेजेस और अदर इम्यून सेल्स वगैरह यहाँ जाएंगे और पायरोजेन के पास जाएंगे। ठीक, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद ये सब रिलीज करेंगे पर्टिकुलर केमिकल्स टू किल दैट पायरोजेन, ये रिलीज करेंगे यहाँ पर साइटोकाइंस, साइटोकाइंस कुछ केमिकल एजेंट्स होते हैं विच आर रिलीज बाय मैक्रोफेजेस एंड अदर इम्यून सेल्स। ठीक, कुछ एग्जांपल हैं जैसे IL-1, TNF, ये सब कुछ केमिकल्स के नाम हैं जो कि साइटोकाइंस होते हैं, इंटरल्यूकिन 1, ट्यूमर नेक्रोसिंग फैक्टर्स। ओके, दीज आर सम साइटोकाइंस विच आर रिलीज्ड बाय मैक्रोफेजेस एंड अदर इम्यून सेल्स इन अपोज ऑफ पायरोजेंस। ठीक, यहाँ तक आ गया समझ में, साइटोकाइन यहाँ पर रिलीज हुआ। ओके, अभी ये जो साइटोकाइन होता है, ये साइटोकाइन रिस्पॉन्सिबल होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ अ एंजाइम नोन एज साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम। ओके, साइटोकाइन, साइटोकाइन जो होते हैं ये रिलीज करते हैं साइक्लो, इंक्रीजेस द रिलीज ऑफ साइक्लो ऑक्सीजिनेस एंजाइम। ओके, ये साइक्लो ऑक्सीजिनेस एंजाइम का क्या काम होता है, साइक्लो ऑक्सीजिनेस एंजाइम का काम होता है
नॉर्मली बॉडी में होता है एरेकिडोनिक एरेकिडोनिक एसिड। यह एरेकिडोनिक एसिड एक कंसीडर पर कन्वर्ट होता है प्रोस्टाग्लैंडिंस में, ठीक है। एरेकिडोनिक एसिड नॉर्मली प्रोस्टाग्लैंडिंस में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ कॉक्स साइक्लोऑक्सीजिनेस, ओके, विद द हेल्प ऑफ कॉक्स एंजाइम। अभी अगर साइटोकाइंस आएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, रिलीज इंक्रीज रिलीज ऑफ साइक्लोऑक्सीजिनेस मीन्स कि कॉक्स। अगर कॉक्स एंजाइम बढ़ रहा है तो एरेकिडोनिक एसिड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट होगा, ओके, ये समझ आया। अगर कॉक्स बढ़ रहा है, साइटोकाइंस रिलीज हो रहे हैं, साइटोकाइंस की वजह से कॉक्स बढ़ेगा, कॉक्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एरेकिडोनिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट होगा, ओके। और जितना ज़्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन कन्वर्ट होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेम्परेचर मेंटेनेंस। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन रिक्वायर होगा, बॉडी का टेम्परेचर उतना ही राइज होगा, ठीक। और बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा तो नॉर्मली क्या होगा, पायरेक्सिया। तो ये एक सुपरफिशियल व्यू था कि किस तरह से पायरेक्सिया होता है, ओके। इसके अंदर भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम जब डीप में पायरेक्सिया पढ़ेंगे, पायरेक्सिया का एक और लेक्चर होगा, वो काफी डीप में लिया जाएगा कि एरेकिडोनिक एसिड कहाँ से आता है, कॉक्स कितने टाइप्स का होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स कितने टाइप्स के होते हैं, हाइपोथैलेमस में प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है जहाँ पर ये टेम्परेचर का काम करता है, टेम्परेचर सेंसर्स क्या होते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें उस ब्रीफ लेक्चर में, डीप लेक्चर में पढ़ा जाएगा। ये अभी एक जनरली माइंड मेकअप के लिए है कि किस तरह से आखिर पायरेक्सिया होता है, ओके। नॉर्मली हम कहाँ पर टेम्परेचर मेजर करते हैं, ओरल, एक्सिला एंड थर्ड वन इज रेक्टल, ओके। और नॉर्मल इसके ट्रीटमेंट में NSAIDs वगैरह दिया जाता है, नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। इनका मेन काम होता है कि ये सब जाकर के कॉक्स इंजाइम के ऊपर काम करती हैं। अगर वो कॉक्स के प्रोडक्शन को कम कर दें, कॉक्स का प्रोडक्शन कम होगा मीन साइक्लोऑक्सीजिनेज का प्रोडक्शन कम होगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम बनेंगे, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम बनेंगे इसका मतलब कि टेम्परेचर जो होगा वो मेंटेन रहेगा। इस तरह से पायरेक्सिया का ये जनरल ब्रीफ लेक्चर था, और डीप लेक्चर में हम उसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें उसके डीप में जाएंगे। कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक कि पायरोजेंस जो होते हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर पाते हैं, एक कॉन्ट्रोवर्शियल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था कि पायरोजेंस ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर पाते हैं। जब वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं तो वो हाइपोथैलेमस में जा करके और साइटोकाइंस वगैरह को कैसे रिलीज करते हैं, ये कॉन्सेप्ट था। तो ये भी हम उसी डीप लेक्चर में ही एक्सप्लेन करेंगे, ओके, थैंक यू।